सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मौसम छत्री और आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो वी नाइन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग, कैसा है ये फोन आपके लिए, है या नहीं, एंड ये किसके साथ कम्पीट करने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Vivo का V9 जो है वो आज लॉन्च हो चुका है 23 मार्च को। सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस के पहले प्राइसिंग बता दे रहा हूँ, विच इज 23,000 रुपीज़, 22,990 रुपीज़। प्राइस परफेक्ट है, बट कॉन्स भी हैं, प्रोज भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन से। इसमें दिया गया है इनसेल IPS पैनल वाला डिस्प्ले, 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 19:9। जी हाँ, ये पूरी स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले की, और मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा होने वाला डिस्प्ले, बिकॉज इन सेल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है नॉर्मल IPS से। अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। फ्रंट कैमरा है 24 मेगापिक्सल का, एंड जो रियर कैमरे में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन, जिससे आप पोर्ट्रेट मोड ले सकते हैं, एंड फ्रंट में भी बुके मोड, जो फ्रंट पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं, वो दिया गया है। दोनों ही कैमरे में, मींस फ्रंट एंड बैक दोनों में, आपको AI का सपोर्ट मिलता है, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब मैं थोड़े मेन, जो सबसे सब लोग बोलते हैं ना कि प्रोसेसर खराब है, बट इस बार स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है वीवो द्वारा। मैं तो बोलूँगा यार, स्नैपड्रैगन चलो यूज़ किया, बट थोड़ा अच्छा वाला करना था। स्नैपड्रैगन 626 यूज़ किया है, आई थिंक सो उतना अच्छा नहीं है, पता है, बिकॉज जो प्राइस है 23,000 रुपीज़, उस हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कम से कम 17,000 रुपये में 400 सीरीज़ का नहीं दिया, बट स्टिल 630 देना था, आई थिंक सो 660 दे सकते थे, बट 630 देना था कम से कम। बट 626 तो यार टेन और जी में जो 10,000 रुपये का फ़ोन है, बट ये जो फ़ोन है वो मेनली डिज़ाइन पे फोकस किया गया है। डिज़ाइन से 7.8 mm का थिकनेस है, 150 ग्राम का फ़ोन है, और 3,280 mAh की बैटरी है। सो आई थिंक सो करीब 3,300 mAh की बैटरी है करीब, एंड 150 ग्राम का है, 150 ग्राम का है, एंड पतला भी है फ़ोन। डिज़ाइन बहुत ऑसम है, लिटरली डिज़ाइन मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, पूरा आईफोन 10 दिखता है, पिक्चर्स आ रहे होंगे, एंड आई थिंक सो यार इट्स अ गुड फ़ोन। बट प्राइस है, जो लोग ऑनलाइन नहीं परचेज करना चाहते वो लोग कर सकते हैं वीवो का, वैसे अब तो ऑफलाइन में मिलना स्टार्ट हो गया होगा। एंड जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके साथ ही कम्पीट करेगा ये, कम्पीट करने वाला है मोटो X4 के साथ में। जी हाँ, मोटो X4 के साथ करेगा, मोटो के Z सीरीज़ के साथ करेगा, और भी कुछ नए नए फ़ोन्स आने वाले हैं उनके साथ भी ये फ़ोन कम्पीट करेगा। अब बात ही आती है कि क्या ये आपको ख़रीदना चाहिए। अगर आपको प्रोसेसर, देखो प्रोसेसर अच्छा है, मल्टीमीडिया के लायक है, बट गेमिंग भी अच्छी होती है, बट हाई इंटेंसिव गेमिंग नहीं होती। मतलब हाँ, मतलब कर सकते हो, अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, Asphalt 8 खेल सकते हो, बट स्टिल थोड़ा अच्छा प्रोसेसर देते तो ठीक रहता। 23,000 में एक्सेप्टेबल है, कॉन्स भी हैं, लाइक प्रोसेसर कम से कम 630 देना था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बंद करता हूँ, आपको पता चल गया होगा वीवो V9 के बारे में सब कुछ, एंड आई थिंक सो डिज़ाइन इज डोप। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो मैंने कैसे बनाया है, एंड या स्मैश दैट ओके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं बंद करना चाहता हूँ, नहीं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मैं मिलूंगा अगली किसी वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, वो लाइक को ना क्या फेंक के मारो, कुछ फेंक के मारो, मतलब जो फेंक के मारना फेंक के मारो, मगर उसको ग्रे से ब्लू करो। एंड देन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक मेरे को झेल लिया है, तो यार सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में आपसे, तब तक ले बाय बाय।